बहुत सुंदर डॉक्यूमेंट्री सुनी और उसमें हमने नीलू बेन जी के भी अनुभव सुने। अभी सन्मुख हमारे सामने हैं। सिर्फ इतना कहूँगी कि नीलू बहन सिर्फ ओम शांति करे। अनुभव तो सभी ने सुना है, किंतु अभी 3 साल में दादी की जो स्थिति थी और दादी जो मनसा सेवा कर रही थी, वो 3 साल में हमने प्रैक्टिकल अनुभव किया। तो दादी 2017 31 दिसंबर को, जैसे बाबा ने कहा था कि समाप्ति बरस है, उसके बाद दादी की तबीयत के कारण हमको दादी को बॉम्बे लेके जाना हुआ। उसी टाइम ही जैसे दादी ऐसी जा रही थी, तो ऐसे लग रहा था दादी जैसे सब कुछ अपना समेट के जा रही है। तो वहाँ जाने के बाद दादी की तबीयत तो डॉक्टरों ने बहुत इम्प्रूव किया, किंतु दादी की स्थिति ऐसी हो गई थी जैसे कर्मातीत अवस्था दादी प्राप्त कर रही है। तो जो भी दादी को देखता था, तो पहले भी जैसे बाबा कहते थे कि अपनी चेहरा चलन और बोल से बाबा को प्रत्यक्ष करना है, तो दादी वो जैसे अपना पुरुषार्थ चालू कर दिया था। तो धीरे धीरे दादी, बाबा ने जैसे वरदान दिया था आपकी आंखों से और मौन की भाषा से सबको समझ में आ जाएगा, तो मेरा अनुभव है जब मैं अव्यक्त बाबा बाप दादा आते थे, तो उस टाइम दादी बड़ी दादी, क्योंकि रात को मैं जागती थी तो कई बातें ऐसी होती थी, ज़्यादातर बड़ी दादी कुछ कुछ बातें ऐसी बोल के जाती थी कि आप ये पूछ के रखना। तो मैं रात को जब पूछती थी, बाबा जो बीच बीच में मिलने के बीच में थोड़ी गैप मिलता था, तो मैं बाबा से पूछ लेती थी। तो कई बातें ऐसी होता था तो बाबा बोलते थे और आंखों से भी इशारा कर देते थे, किंतु तभी मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं दोबारा बाबा से पूछ लेती थी कि बाबा मुझे ये समझ में नहीं आया, तो बाबा फिर दादी को बताते थे कि बच्ची को ये नहीं समझ में आया। कि मैंने अंतिम समय पे दादी को ये देखा कि दादी जो मेरी शुरू की आदत बाबा ने डलवाया था, वो अंत समय में मेरे को काम में आया। दादी का बोल और दादी की जो नैनों की भाषा मेरे को नहीं, सभी डॉक्टर्स को भी समझ में आ जाता था कि दादी क्या चाहती है। और दादी को जो सब दादी की जो डॉक्टर्स थे, वो जो सेवा कर रहे थे, वो दादी को पेशेंट जैसा नहीं समझते थे, वो जैसे अपनी कोई माँ होती है, अपनी जैसे कोई परिवार के होते हैं, इस प्रकार की दादी की वो लोगों ने सभी ने सेवा किया। और दादी उनको हर पल जैसे कुछ ना कुछ जैसे वरदानों से या शक्तियों से ऐसे भरती रहती थी। किन दादी लास्ट 1 हफ्ता पहले तो दादी की कंडीशन थोड़ी जब थोड़ी सीरियस हुई, तो मेरे को जब बुलाया तो दादी दृष्टि दे रही थी। मैंने कहा दादी अभी नहीं जाना, हम तैयार नहीं हैं,
क्योंकि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, मैं अपने लिए ही दादी को बोला। तो फट से दादी आंखें जैसे देख के मेरे तरफ देखने लगी, तो जैसे दादी इशारा कर रही थी अब ठीक है मैं थोड़े दिन रुक जाती हूँ। तो सचमुच मैंने देखा दादी ने हमको बहुत टाइम दिया, और जब लास्ट दादी 10:30 बजे गई, उससे 6 बजे मैं जब दादी से तैयार होके हमेशा जाती थी दादी के पास, तो दादी मेरे को देख रही थी। मैंने कहा दादी कुछ कहना है? कुछ नहीं। तो ऐसी लग रहा था दादी जैसे ऐसे मेरे को बोल रही थी कि अभी कुछ बाकी है, जैसे पूछ रही थी। तो दादी एक सब जैसे ऐसी बोल रही थी कुछ बाकी है, तो मेरे को लगा कि जैसे मेरे को बाबा बोल रहा हो अभी तुम छुट्टी दो। तो मैं जब दादी को बोल रही थी ठीक है दादी सभी को आने दो, मैं मन ही मन ऐसी दादी को बातें कर रही थी, तो जैसे दादी ने सबकी इंतज़ार किया, उसी टाइम हमने आप संतोष बहन को, योगिनी बहन को और सब डॉक्टर्स को सबको फ़ोन किया, तो दादी ने देखा जैसे सब भी आ गए, सब भी जो भी हम साथ में हमारी बहनें जो सब सेवा कर रहे थे सभी को दादी ने बड़ी आराम से सबको दृष्टि दिया। फिर रिकॉर्ड बज रहा था, उस टाइम हम सभी से दादी विदाई लेके गई। ओम शांति।